Hi, my name is Anubhav and I'm a coach at My Health Buddy and I also teach exercise sciences at MHB Academy. तो आज चलिए देखते हैं कि हमें प्लैंक कैसे करना चाहिए और क्या क्या गलतियाँ हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए वाइल वी आर डूइंग प्लैंक। सो सबसे पहली गलती है आपके हाथों की पोजिशन। अब काफ़ी लोग अपने हाथ क्रॉस करके इस तरीके से रखते हैं, सोचते हैं ज़्यादा बॉडी स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको करना क्या है, आपको अपने हाथ आउट रखने हैं, या तो हैमर पोजिशन में रखिए या फिर अपने फिंगर्स को स्प्रेड करिए। इससे आपको बेटर स्कैपुला एंगेजमेंट मिलेगा क्योंकि आपका शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन में है इस टाइम। अब हाथों की पोजिशन के बाद जो दूसरी कॉमन मिस्टेक देखी गई है वो है आपके हेड की पोजिशन। काफ़ी लोग या तो खुद को देखते हैं शीशे में या फिर ऊपर देखते हैं, जिसकी वजह से नेक काफ़ी हाइपर एक्सटेंडेड हो जाती है। आपको अपनी नेक न्यूट्रल रखनी है, जस्ट कीप योर चिन टक्ड। अब अगली मिस्टेक है आपकी हिप की पोजिशनिंग। ये रेज्ड नहीं रहने चाहिए, आपको आपके हिप आपकी स्पाइन की लाइन में रखना है और आपकी पेल्विक ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट मेंटेन करनी है। फ्रॉम द साइड योर बॉडी शुड लुक लाइक अ वन लाइन। अगली मिस्टेक है आपकी नीज की पोजिशन। सॉफ्ट नहीं रखनी है आपको अपनी नीज, यू हैव टू कीप देम लॉक्ड। दिस विल गिव यू बेटर स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। एंड द लास्ट मिस्टेक इज द स्कैपुलर पोजिशन। आपको आपका स्कैपुलर डिप्रेस नहीं रखना है, आपको आपका स्कैपुलर एलिवेटेड रखना है। दिस हेल्प्स यू इन बेटर कोर एंगेजमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप ब्रीदिंग थ्रू आउट द set that you are performing your plank with. So guys, if you are interested to learn more about exercise science or nutritional science, don't forget to subscribe to our YouTube channel.